या वेलकम आयुष। वेलकम सूफिया। वी कैन वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट द अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन। वेलकम ओवेस, कल्याणी, गौरव, नीरज। Yeah, I'll start the lecture in maybe 15 seconds, another 15 seconds. Okay, let's start the lecture. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स सीखने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स बिकॉज एंट्रेंस लेवल पे आप लोगों को बेसिक्स सब चीज़ें आप पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। अब जो बेसिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के लेक्चर में, दैट इज़ नथिंग बट सी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। वेलकम किरण। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बेसिकली करंट फ्लो क्या होता है? करंट फ्लो इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने इसके पहले के लेक्चर्स में जो सीखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सीखे हैं, जहाँ पर चार्जेस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। दैट मीन्स कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, हम चार्जेस के बारे में सीखने वाले हैं पहले, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको चार्ज डालना है तो बेसिकली आपका फंडामेंटल यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन को अगर आप डालेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वेराइस इसमें से अगर आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अदरवाइज इस पर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, जिस वजह से टोटल चार्ज इस पर जो होता है हमेशा जनरली ज़ीरो होता है, अनलेस आप चार्ज को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट फ्लो के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट में से करंट फ्लो होना चाहिए तो बेसिकली आपको क्या चाहिए उसके अंदर चाहिए चार्जेस, मतलब फ्री चार्जेस होने चाहिए उसके अंदर। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हम कंडक्टर इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन फ्रीली मूव हियर एंड देयर, तो बेसिकली दे आर फ्री टू मूव। ऐसे सिचुएशंस जिसमें होती है कंडक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, करंट पास करवाने के लिए। अब करंट फ्लो में बेसिकली क्या होता है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करती है कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, वो सिचुएशन को हम बुलाते हैं करंट फ्लो। ओके, सो अगर लेट मी से 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करें एक साथ, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रैवल कर रही है तो टोटल जो चार्ज ट्रैवल करती है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो होती है। अब जितना भी चार्ज फ्लो होती है हर एक सेकेंड में, इस मेजर को हम बुलाते हैं करंट फ्लो। सो बेसिकली करंट फ्लो जिसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं, ये जो करंट है दिस इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dQ/dt। दिस इज द मेजर ऑफ करंट। अब ये जो करंट है, मतलब दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट है, इस करंट को मैं डिफाइन कर सकता हूं, इसका SI यूनिट जो है इसको एम्पियर है इसका SI यूनिट। एक चीज हमेशा याद में रखना कि ये जो करंट है, ये करंट इज नाइदर स्केलर क्वांटिटी नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको बुलाते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ना ही इसको स्केलर के अंदर फिट कर सकते हैं ना ही इसको वेक्टर के अंदर फिट कर सकते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंडक्टर है ऐसे, तो इस कंडक्टर को अगर मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली इसमें से करंट फ्लो होगी। ये सेल का सिंबल होता है, ये सेल को हमेशा एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होता है। वेलकम ईश्वर। यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट पास हो रही है तो करंट का एक डायरेक्शन होता है हमेशा, वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पर आती है। ये तो आप लोगों ने स्कूल लेवल पर भी सीखा है।
करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है बिकॉज हमने सेल ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर सेल आपने उल्टा कनेक्ट किया होता, दैट इज़ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव दूसरे तरफ ऐसे कनेक्ट किया होता, तो बेसिकली जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन भी उल्टा होता था। सिमिलरली दैट मीन्स डायरेक्शन अचानक से चेंज हो गया। सिमिलरली अगर आपने इस कंडक्टर को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखने की जगह पे वर्टिकली रखा होता, दैट मीन्स कंडक्टर को अगर आप वर्टिक पूरे डायरेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल द करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, यहाँ पर देखेंगे तो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, यहाँ पर देखेंगे तो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। वेलकम ऑदम्बर। तो इसका मतलब करंट को डायरेक्शन है लेकिन वो डायरेक्शन हमेशा ही चेंज हो रही है। अगर आपके सामने एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो हर वक्त चेंज होती है। आपने कंडक्टर को ऐसे अचानक से घुमा के सीधा रख दिया तो सीधे की तरफ जाएगी, टेढ़ा रखेंगे तो टेढ़ा जाएगी। वेलकम सुजल। सो बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट को डायरेक्शन है बट वो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको वेक्टर के अंदर नहीं डाल सकते हैं, वेक्टर के अंदर नहीं डाल सकते हैं। करंट को डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है, इसलिए उसको हम स्केलर के अंदर भी नहीं डाल सकते, इसी वजह से उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ये है करंट के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आप चाहते हो कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जिसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने सीखा है। तो बेसिक पोटेंशियल का उसका एक शॉर्ट रिविजन ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। बेसिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स हर एक पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होता है। अब अगर एक कंडक्टर अगर कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर उस पर अगर मैंने सेल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर जैसे मैंने अभी सेल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, सो वॉट इज हैपनिंग, सेल का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट का मतलब होता है कि ये पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वो हायर एंड पर होता है, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो लोअर एंड पर होता है। सो दिस पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव कैन बी एनी वैल्यू, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरे सेल का कैपेसिटी या फिर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, दैट मींस हायर का वैल्यू 10 अगर होगा तो लोअर का वैल्यू 0 होना चाहिए, हायर का वैल्यू 2 होगा तो लोअर का वैल्यू -8 होना चाहिए, बिकॉज 2 और -8 के बीच में डिफरेंस 10 होना चाहिए। सो एनी थिंग कैन बी एनी वैल्यू। हायर का वैल्यू अगर 12 होगा तो यहाँ पर -8 के बदले +2 होगा। सो नेगेटिव का मतलब आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब इट शुड बी लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब इट शुड बी हायर पोटेंशियल। ये हायर वैल्यू जितना भी होगा उसे एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करने के बाद लोअर वैल्यू आना चाहिए। दैट्स हाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इज अपियरिंग। एनीवे, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल। होता क्या, बेसिकली जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, अभी इलेक्ट्रॉन्स का भी नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का जनरल फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, बट हमने स्टार्टिंग से ही हमारे सारे कंसिडरेशन पॉजिटिव के बेसिस पे किया हुआ है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने जो टेस्ट चार्ज कंसिडर किया था वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। सो उस रेफरेंस से अगर देखेंगे सो सारे के सारे चीज़ें पॉजिटिव के बेसिस पे होना चाहिए, इसी वजह से हम कभी भी नेगेटिव के फ्लो को हम स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं। इंस्टेड हम ऐसे सोचते हैं कि अगर नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रही है फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, उसका मतलब यहाँ पर नेगेटिविटी का शॉर्टेज हो रहा है। इसका मतलब सी, कहीं पर भी नेगेटिविटी का शॉर्टेज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी का शॉर्टेज होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का प्रेजेंस होता है वहाँ पर। ये लॉजिक से अगर देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही है, इसका मतलब उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ फ्लो हो रही है तो हम मानते हैं कि उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन पे फ्लो होती है, और इस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम मानते हैं कि इसी को हम मानेंगे करंट का फ्लो, बिकॉज हम स्टार्टिंग से ही हमेशा पॉजिटिव को ही रेफरेंस मानते हैं। सो देयरफॉर कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन सेज दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल।
अब जब भी करंट फ्लो होती है तो करंट, मैंने जैसे बताया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तो ही करंट फ्लो होगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बुलाते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी हमने स्कूल लेवल पे सीखा है, ये सारी चीजें स्कूल लेवल पे सीखा है, इसी वजह से मैं क्विक रीकैप दे रहा हूँ आप लोगों को। बेसिकली ये रीकैप के बाद आप लोग चैप्टर की तरफ इजीली एंटर कर पाएंगे। ओम्स लॉ बेसिकली ये बताती है कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपके सामने एक कंडक्टर, ये कंडक्टर को आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो का डायरेक्शन ये रहा। सीधी सी बात है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही करंट फ्लो बढ़ता ही जाएगा। सो आई कैन से दैट, यहां पर इन शॉर्ट में ये बोलने की बात कर कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही है हमारा ओम्स लॉ, ओम का लॉ ही ये था। मिस्टर ओम ये बताता है कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें से करंट फ्लो होगा। अब सीधी सी बात है, कहीं पर भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी होती है, हाँ, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी जरूर होती है। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मिस्टर ओम ने ऑब्जर्व किया कि वो कांस्टेंट जो है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस फाउंड इनसाइड दिस कंडक्टर। Therefore, इसको यहां पर उस कांस्टेंट को उस बंदे ने नाम दिया रेजिस्टेंस। वेलकम नेहा, कांस्टेंट को उसने नाम दिया रेजिस्टेंस। अब बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस उसके नाम से ही पता चलता है वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। सो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑपोजिशन ऑफर्ड इनसाइड द ऑपोजिशन फाउंड इनसाइड द कंडक्टर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अब इस रेजिस्टेंस को SI यूनिट जो है उसको ओम करके दिया गया है SI यूनिट, क्योंकि मिस्टर ओम ने ही रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया। अब ओम ने ये जब लॉ बताया तो यहाँ पर फ्यू कंडीशंस है, कि कंडीशंस ये होती हैं कि भाई जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंट मेंटेन करना है, मतलब बाहर से हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करना चाहिए हमें, और क्या कॉन्स्टेंट मेंटेन करना चाहिए, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, दैट इज उसका लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टेंट मेंटेन करने हैं। बाहर से आप जो प्रेशर देते हो उस प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना है। अगर ये सारे एस्पेक्ट्स अगर आप कांस्टेंट मेंटेन करेंगे तो ओम बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा करंट से प्रोपोर्शनल होगा, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो करस्पॉन्ड कर रही है उसके अंदर के ऑपोजिशन के ऊपर। जितना ज़्यादा ऑपोजिशन उतना ही ज़्यादा कांस्टेंट, जितना कम ऑपोजिशन उतना ही कम कांस्टेंट। ये है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें उसका SI यूनिट होगा ओम। अब ये जो उसने बताया, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच है, दैट इज देयर इज अ लिमिटेशन इन ओम्स लॉ। अब उसके बारे में डिस्कस करने के पहले आपको मैं एक बेसिक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर कोई भी कंडक्टर के अंदर, मतलब मैं आपको क्या याद दिला रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट याद दिला रहा हूँ। सी बेसिकली कोई भी कंडक्टर के अंदर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सी कोई भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एटम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा। ऐसा नहीं होता सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, कोई भी मटेरियल ओनली इलेक्ट्रॉन से बनता ही नहीं है। सो उसके अंदर एटम्स होते हैं, और ये एटम्स के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो फ्री बन जाते हैं, तब जाके हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब आपको तो पता है कि ये एटम्स में से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला तो वो एटम बन जाता है आयन। अब यहाँ पर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, अब ये आयंस में से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होती है, ये आयंस को जब हिट करती है, तो ये हिटिंग प्रोसेस के प्रोसेस में से थोड़ा सा एनर्जी इवॉल्व होके बाहर निकलता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई और आयन को जाके हिट होता है तो वहां से भी थोड़ा एनर्जी बाहर निकलता है, वापस कोई और जाके आयन को हिट होता है तो वहां से भी थोड़ा एनर्जी बाहर निकलता है। सो कोई भी एटम्स या फिर आयंस को जब हिट होती है तो हर जगह से थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी तुम्हारे स्कूल लेवल में था, जस्ट आई एम गिविंग यू अ रीकैप। अब ये जो हीट है, ये हीट जब ये एटम्स और आयंस खुद रिटर्न अब्सॉर्ब करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, इनिशियली ये एटम्स और आयंस
खुद या एटम्स और आयंस का प्रेजेंस जो है, यही प्रेजेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने को ओपोज कर रही है. यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन चाहती है कि वो सीधा ट्रैवल करे, बट या एटम्स और आयंस मिलके उनको ओपोज कर रही है. इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को टेढ़ा मेढ़ा घूम घूम के बहुत जगह पे कोलाइड हो के ट्रैवल करना पड़ता है. तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा एटम्स और आयंस का प्रेजेंट रहेगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. अब यहाँ पर होता क्या है, ये हीट जब रिटर्न एटम्स और आयन अब्जॉर्ब करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये रहा वो कंडक्टर को थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ यहाँ पर. इनिशियली एटम्स और आयन्स ने अगर सिर्फ इतना जगह ऑक्यूपाई किया होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए उनके बीच में से जगह निकल के जाना पड़ता है, ये तो आपको पता है. अब हीट होने के बाद क्या होगा, ये एटम्स जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे. अब इनिशियली ये पेन ने सिर्फ इतना ही जगह ऑक्यूपाई किया, लेकिन जब ये वाइब्रेट होगा तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है. तो इस वजह से क्या होता है, ये एटम्स और आयन्स जो है उनको ज़रूरत जितना है उससे भी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रॉन को जो ट्रैवल करने के लिए गैप था वो गैप क्या हो गया, कम हो गया. गैप अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इन शॉर्ट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी तुम ज़्यादा करंट पास करोगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कॉलिजन होगा, ज़्यादा कॉलिजन होगा तो ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जिस वजह से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ओम ने यहाँ पर हमें क्या बताया था, रेजिस्टेंस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. मतलब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट बढ़ने पर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, ये ओम ने बताया था. सो एज पर ओम्स लॉ what is going to happen, as per ohm's law, मान लेते हैं ये potential difference है, ये current है. so as per ohm's law graph जो है कुछ इस तरह जानी चाहिए. मैं दूसरा एक ink use करता हूँ. so this is the ideal curve of ohm's law. ohm's law ऐसे जाना चाहिए था. So this is ideal curve. Ohm says that the potential difference and current are always constant, due to which the resistance between them, the slope of this graph is nothing but resistance between them. So iska jo slope hai, that is equal to 1 by R, because slope is nothing but I upon V matlab 1 by R hota hai. Slope is I upon V. y coordinate upon x coordinate is called as slope. That is nothing but current upon voltage. Current upon voltage is inverse of resistance. Because हमने यहाँ पर देखा, voltage is equal to current multiplied by resistance. That means voltage upon current is nothing but resistance. तो इसका मतलब current upon voltage जो है वो क्या होगा, inverse of resistance. In short, इसने बोला है कि ओम ने बोला ये slope तो constant होना चाहिए, proportionality constant है. तो slope अगर constant रहेगा तो resistance भी constant होना चाहिए. But अभी हमने सीखा कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे ग्रेजुअली उतना ही करंट बढ़ेगा, और जितना करंट बढ़ेगा यहाँ पर आप देख रहे हो उतना ही कॉलिजन्स बढ़ेगा. कॉलिजन्स बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. सो ओम ने जिस चीज़ को कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया था वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट नहीं है. तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है यार, टू एन एक्सटेंट शायद ये ग्राफ सेटिस्फाई होता भी होगा, क्योंकि टू एन एक्सटेंट रेजिस्टेंस में जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तो जरूर आएगा जहां पर रेजिस्टेंस की फ्लक्चुएशन को हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा आगे उतना करंट बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो बेसिकली करंट के फर्दर ग्रोथ को पकड़ के रखेगा. क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ऑपोजिशन, जितना ज्यादा ऑपोजिशन उतना ही करंट आगे बढ़ने में करंट को दिक्कत होगी. तो बेसिकली जो ग्राफ है, पोटेंशियल तो हम बिंदास बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो हम बाहर से दे रहे हैं, लेकिन जो करंट है वो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है. तो करंट जो है उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए. ये ग्राफ जो है आगे की तरफ बढ़ रही है बिकॉज करंट को बिंदास बढ़ा दिया उसने, लेकिन करंट उतना बढ़ता ही नहीं है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, वोल्टेज तो मैंने बढ़ा दिया अपने हिसाब से, करंट जो है ये एक्चुअल में करंट सिर्फ इतना ही बढ़ रहा है, इधर से सिर्फ इतना ही बढ़ रहा है एक्चुअल में. बट ओम्स लॉ के थ्योरी के हिसाब से करंट कितना बढ़ना चाहिए, करंट इतना बढ़ना चाहिए था. सो व्हाट इज हैपनिंग, आइडियली द
ग्राफ शुड गो लाइक दिस, आइडियली करंट इतना ऊपर आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ग्राफ थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली करंट सिर्फ इतना ही होता है. सो दिस थिंग इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल कर्व. ऊपर वाला आइडियल कर्व है, तो यहाँ पर मैं एरो बना के दिखाता हूँ, दिस इज रियल कर्व. सो दिस एरर व्हाट यू कैन सी, ओम्स लॉ ने एक्सपेक्ट किया इतना करंट का हाइक, लेकिन रियलिटी में करंट सिर्फ इतना ही हाइक हो रही है. सो दिस काइंड ऑफ एरर, दिस इज नथिंग बट द लिमिटेशन. Of Ohm's law. So this is the current limitation of Ohm's law. So Ohm's law में ये limitation है. तो Ohm's law फिर भी, तो in short मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि Ohm's law पूरी तरह से correct नहीं है. उसमें ये error है. Error होने के बावजूद भी हम Ohm's law को ही use करते हैं, because वो हमारा fundamental law है. उसे बेटर वाला, मतलब इस एरर को रेक्टिफाई करते हुए नया एक लॉ अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसी वजह से हम ओम्स लॉ को ही आगे यूज करते हैं. सो यस, वी आर गोइंग टू यूज ओम्स लॉ ओनली एज अ रेफरेंस. अब जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कर्व. एंड ये जो पिछला पेज जो था उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. मैं थोड़ा सा सेट करके दे देता हूँ आप लोगों के लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक. नाउ कमिंग बैक, अब हम सीखते हैं एक एक क्वांटिटीज के बारे में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूजफुल है. आपने तो रेजिस्टेंस के बारे में सीखा है, उसके एसआई यूनिट के बारे में सीखा. अब कोई भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, द फैक्टर विच इज ओपोजिंग द करंट टू फ्लो. बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 100% ऑपोजिशन तो कंडक्टर के अंदर होती नहीं है, क्योंकि 100% ऑपोजिशन होता, 100% रेजिस्टेंस होता, तो करंट फ्लो ही नहीं होता था उसमें से, क्योंकि 100% उसको ओपोज हो रही है. लेकिन फिर भी आपने तो देखा ना, करंट फ्लो हो रही है. इफ करंट इज फ्लोइंग, विच मीन्स देर इज नो 100% ऑपोजिशन. देर इज सम परसेंटेज ऑफ ऑपोजिशन विच इज रेजिस्टेंस, एंड देर इज सम अदर परसेंटेज विच इज सपोर्टिंग द करंट टू फ्लो. सो करंट फ्लो अगर सपोर्ट हो रही है ड्यू टू सम फैक्टर, लेट अस नेम दैट फैक्टर एज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस मतलब ऐसा फैक्टर जो सपोर्ट कर रही है करंट के फ्लो को. कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से. कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है. सो इट इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 1/r. उसका एसआई यूनिट भी ऐसे ही है. सी 1/r है, तो एसआई यूनिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ohm लिख सकता हूँ, या फिर मैं ओम इनवर्स भी बोल सकता हूँ उसको, या फिर आप इसको उल्टा भी करके डाल सकते हैं. दैट इज ओम का उल्टा क्या होता है, ये सिंबल. सो ओम को आपने उल्टा कर दिया, ये सिंबल बन गया. ये सिंबल का नाम क्या है, जैसे आप ओम लिखते हो और उसको उल्टा करते हो, वैसे इसको ओम को भी उल्टा कर दो. ओ एच एम के जगह पे आप लिखोगे एम एच ओ. यस, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज मो, एम एच ओ. सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है और उसको बुलाया जाता है MHO, मो. एंड इसके बारे में हमारे सामने सबसे पहले डिस्कस किया था मिस्टर साइमन ने, तो इसी वजह से उसके नाम से भी हम उसको बुलाते हैं, साइमन बुलाते हैं उसको. ओके, एनीवे, सो ये है कंडक्टेंस के बारे में, विच इज नथिंग बट द फैक्टर विच इज सपोर्टिंग द करंट फ्लो, एंड रेजिस्टेंस इज द फैक्टर विच इज ओपोजिंग द करंट फ्लो. अब आगे सीखते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में. बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. प्रोसीडिंग फर्दर, आगे सीखते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी रो. अब जो रेजिस्टिविटी होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो सीखते हैं. रेजिस्टिविटी को एक और नाम से बुलाया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सी बेसिकली हम एक बात तो जान लेना चाहिए हमें कि अगर कोई कंडक्टर होगा, ये रहा एक कंडक्टर, ओके, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर एटम्स और आयंस का प्रेजेंस होता है। अब कंडक्टर का लेंथ तुम जितना बड़ा करोगे, सीधी सी बात है, उतना ही लंबा प्रॉब्लम भी तो होगा ना हमारे करंट को फ्लो होने के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा डिफिकल्टी। सो इसमें से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं अगले सेक्शन की तरफ जा रहा हूं, बिफोर दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिमिलरली ये रहा कंडक्टर हमारा, इस पर एटम्स और आयंस का प्रेजेंस है। अब ये कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैंने बड़ा कर दिया, तो एग्री तो करता हूं कि यार एटम्स आयंस का भी प्रेजेंस बढ़ जाएगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बीच में से करंट को ट्रैवल करने का, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने का गैप भी तो बढ़ गया। पिछली बार गैप कम था, इस बार गैप ज्यादा हो गया। सो डिफिकल्टी किसमें ज्यादा होगा ट्रैवल करने के लिए, डिफिकल्टी इसमें ज्यादा होगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से रेजिस्टेंस एक्चुअली कम हो गया। इसमें से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया, सो इट बिकम्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। सिंस इट इज प्रोपोर्शनल, यहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। उस कॉन्स्टेंट को मैं डिनोट करूंगा रो सिंबॉल से, एंड दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी तुम्हारे स्कूल लेवल में हो चुका है, आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट आप लोग उसको अच्छे से याद रखेंगे। सो ये रेजिस्टिविटी का SI यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, SI यूनिट होगा ऊपर, अभी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट चेक करते हैं, ऊपर R है मतलब रेजिस्टेंस है, मतलब उसका यूनिट क्या होगा ओम, और ऊपर एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल होने के बाद ऊपर एक मीटर बचेगा। सो योर आंसर, योर यूनिट इज गोइंग टू बी ओम मीटर। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, सबसे पहली बात, लेंथ और एरिया वॉज वेरिएबल बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी के अंडर आ रहा था वो, दैट मीन्स दे वर वेरिएबल, वो वेरी होने के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी हो रही थी, बट इनके वेरिएशंस पे कॉन्स्टेंट बन के जो आया था दैट वॉज रेजिस्टिविटी, विच मीन्स रेजिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इट विल नॉट डिपेंड ऑन एरिया, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस जो लेंथ और एरिया की वजह से चेंज हो रही है। सो इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन, ओके, नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन, या फिर नॉट गोइंग टू वेरी विथ लेंथ एंड एरिया, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। फिर किस पे डिपेंड करती है, और कौन से फैक्टर्स चेंज कर सकती है, हमने अभी भी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में सीखा कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी चेंज होगी टेम्परेचर पे। सो यस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ऑब्वियसली नेचर ऑफ मटीरियल। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटीरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटीरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ दो फैक्टर्स में, दैट इज टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटीरियल। ये है रेजिस्टिविटी के बारे में थ्योरी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब जैसे हम लोग ने रेजिस्टिविटी सीखा, सी जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा था कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का भी उल्टा होता है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। उसका SI यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का जो भी SI यूनिट है उसका उल्टा होगा, मतलब उसके SI यूनिट में हम लिख सकते हैं ओम मीटर इनवर्स, नहीं तो सिर्फ ओम को उल्टा करो
मो अपॉन मीटर लिखो, चलेगा, नहीं तो साइमन अपॉन मीटर लिखो, इन तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। और ये कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल के बेसिस पे ही हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप ऑफ मटेरियल्स इन आर नेचर। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स मतलब ऐसे मटेरियल जिनका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। दूसरा सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में अभी तक आप लोग ने सीखा नहीं, आप सीखोगे डाउन द लाइन। एंड थर्ड वन इंसुलेटर। सो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका कंडक्टिविटी मीडियम होती है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप रेजिस्टिविटी के टर्म्स में बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी मीडियम होते हैं, कंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी बहुत ही मिनिमम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड प्रोसीडिंग फर्दर। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करती है, कौन, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, आप जो भी बुलाएं, उसके बारे में सीखते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में सीखते हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीधी सी बात है, आप टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चलो मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं यहां पर। सिमिलरली आप जितना बड़ा रेजिस्टेंस लेंगे उतना ही बड़ा चेंज होगा। दैट इज 100 ओम के रेजिस्टेंस में 1 ओम बढ़ाना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस का ओरिजिनल वैल्यू है 0.5 ओम, उस पर अगर तुम्हें 1 ओम का चेंज लेके आना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। विच मीन्स रेजिस्टेंस का ओरिजिनल वैल्यू जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा तुम चेंज लेके आ सकते हो उस पर। देयरफॉर आई कैन से द चेंज इन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस को अक्सर हम 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस को ही हम लोग ओरिजिनल रेजिस्टेंस करके डिफाइन करते हैं। देयरफॉर ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ये किस में होगा, कौन से टेम्परेचर पे होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों पे डिपेंड कर रही है तो डेफिनेटली एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी तो होना चाहिए ना, जैसे रेजिस्टिविटी आया था। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। प्लीज़ नोट दैट दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल एंड दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज अल्फा। देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा को हम बुलाते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सी, उसके नाम से ही पता चल गया होगा ना, ये कोएफिशिएंट है जो हम लोग कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट दोनों एक ही होता है, ये कोएफिशिएंट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया जब टेम्परेचर के बेसिस पे चीजें चेंज हो रही थी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट चेक करते हैं। ऊपर ओम, नीचे ओम, ओम और ओम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट। चेंज इन टेम्परेचर के यूनिट को, एसआई यूनिट को आप केल्विन भी लिख सकते हैं, नहीं तो डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में है बोलकर मैं लिखूंगा केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये उसका एसआई यूनिट होता है। अब आप बोलोगे डिग्री सेल्सियस तो एसआई यूनिट नहीं है, फिर मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों मेंशन किया। सी, डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है,
फॉर इंडिविजुअल टेम्परेचर वैल्यूज। लेकिन अगर आप चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो आप उस वैल्यू को केल्विन में कैलकुलेट करो या फिर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करो, इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसे रैंडमली बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव करता हूँ आपके सामने। इमेजिन कीजिए आपके सामने दो टेम्परेचर्स हैं, एक T1 है और एक T2 है। आपको इन दोनों को डिवाइड करके आपको इनका वैल्यूज निकालना है। मान लेते हैं पहले इसमें मैं वैल्यू जो लिखूंगा केल्विन में लिखूंगा, दूसरे इसमें जो लिखूंगा वो डिग्री सेल्सियस में लिखूंगा। ओके, अब केल्विन में मान लेते डिग्री सेल्सियस में, चलो एक वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा वैल्यू है 2 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 0 को कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन होता है, 2 को कन्वर्ट करेंगे तो 275 केल्विन होता है। अब एक काम करो, डिग्री सेल्सियस में इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन टेम्परेचर लिख के देखो, क्या आएगा आंसर? 2 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 275 और 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 केल्विन आता है। सो व्हाट डिड आई से, मैंने बोला चेंज इन इंडिविजुअल टेम्परेचर्स भले अलग हो, दोनों के अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप डिग्री सेल्सियस में सब्ट्रैक्ट करो या केल्विन में सब्ट्रैक्ट करो, इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। देयरफॉर दैट्स व्हाई आई सेड कि आप SI यूनिट में डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या फिर केल्विन भी लिख सकते हैं। अब तक जो मैंने सिखाया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा आगे उसको रिफाइन करने वाला हूँ। सो अगर मैं मान रहा हूँ कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो आर नॉट है, आर नॉट को कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है, तो आर टी करके एक वैल्यू निकाल देता हूँ जो टी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होगा। सो कोई भी रैंडम टेम्परेचर पे आर टी रहेगा रेजिस्टेंस। अगर ऐसा केस है तो मैं बोल सकता हूँ द चेंज इन रेजिस्टेंस जो है that can be defined as RT minus R naught, और जो change in temperature जो है that is nothing but T, okay? अब ये alpha को मैं वापस लिखने की कोशिश करूँगा, therefore alpha can be written as delta R के जगह पे लिखूँगा RT minus R naught upon R naught multiplied by change in temperature, ठीक है? change in temperature को as it is रख लेता हूँ, ये थोड़ा easy होता है याद रखने के लिए, okay? अब ये R naught alpha, R naught multiplied by delta theta को ऊपर लेके आता हूँ मैं, सो अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। आर नॉट को इस तरफ लेके आएगा तो आर टी फाइनली बिकम्स, आर नॉट ब्रैकेट के बाहर लेके आता हूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर फाइनल रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। इस चीज़ को एवरी टाइम आपको 0 डिग्री सेल्सियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई और ऑप्शन भी है, सर्टन वैल्यूज है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस एज इट इज़ यहाँ पर आप मैंशन करें। सो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के बारे में हमने सीख लिया, ओके? ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, ओके? अब तक हम लोग ने जो मटेरियल्स के बारे में जो डिस्कस किया, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। इसमें इंसुलेटर यहाँ पर काम ही नहीं करने वाली है, बिकॉज इंसुलेटर से करंट ही नहीं पास होगा ना। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ हिसाब किताब करना है तो ऐसे एक डिवाइस यूज़ करना है जिसमें से करंट पास होगी, तो इंसुलेटर यूज़ ही नहीं करना है। तो आपको क्या यूज़ करना है? कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो दोनों के लिए रीडिंग जो है ना थोड़ा अलग होती है। यहां पर टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स मैं बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट या फिर अल्फा जिसको बोलते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर्स के लिए
कंडक्टर्स के लिए जो होता है उसको हम बुलाते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बुला सकते हैं पीटीसी। अब कंडक्टर्स के केस में होता क्या है, आप जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, सो अल्फा का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। अल्फा का फॉर्मूला इज व्हाट, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा थीटा। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बेसिकली दिस चेंज इज पॉजिटिव, एंड करस्पॉन्डिंगली अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है देन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओवरऑल अल्फा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वेयर अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्राफिकली अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, सो इफ दिस इज टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह जाती है। मतलब आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टिविटी ऊपर की तरफ जाती है। दूसरा कंडीशन जो है मैं सेमीकंडक्टर के लिए बता रहा हूं। सी सेमीकंडक्टर के केस में सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है वापस, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा थीटा। सेमीकंडक्टर के केस में हमने ऑब्जर्व किया है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। सो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उधर चेंज पॉजिटिव होती है, रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है कम हो रहा है मतलब उधर का चेंज नेगेटिव होती है। ओवरऑल आंसर जो आपको अल्फा का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी ए नेगेटिव वैल्यू, जिस वजह से यहां पर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसको हम बुलाते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या फिर एनटीसी, क्योंकि वहां पर अल्फा का वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो दिस इज टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टिविटी, हमेशा वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। दिस इज द ग्राफ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई बिलीव आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, हमने बेसिक सीखा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स सीख लिया हमने, हमने सीखा चार्ज क्या होता है, चार्ज जब फ्लो होती है तो चार्ज को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फ्लो के वजह से जो करंट होती है करंट का डेफिनेशन हमने सीखा, क्वांटिटी के बारे में डिटेल सीखा, इसको फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल पोटेंशियल को सप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में प्लस और माइनस का जो साइन है, प्लस का मतलब होता है हाई, माइनस का मतलब होता है लो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू इन दैट। उसके बाद हमने सीखा ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ ने जो इंट्रोड्यूस किया था रेजिस्टेंस कांस्टेंट के बारे में सीखा, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में सीख रहे थे, पोटेंशियल जितना बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, करंट जितना बढ़ेगा हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ेगा जिस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बट दैट मीन्स आइडियली ओम सोच रहा था कि ग्राफ उसका कुछ इस तरह आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो हुआ प्रैक्टिकली कुछ इस तरह हुआ। ये था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद रेजिस्टेंस मतलब अपोज करने का फैक्टर होता है, कंडक्टेंस मतलब उसको सपोर्ट करने का फैक्टर होता है, कंडक्टेंस का डेफिनेशन एंड उसके यूनिट्स के बारे में सीखा हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने सीखा रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी स्कूल लेवल में सीखा था उसको वापस हम लोग ने सीखा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर रेजिस्टेंस दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करके एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हम लोग ने जो इंट्रोड्यूस किया दैट वॉज रो। रो को हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी, उसका एसआई यूनिट, उसका डिपेंडेंसी, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे, और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। इसी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग ने तीन टाइप के क्वांटिटीज हम लोग ने डिफाइन किया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तीन टाइप के मटेरियल्स हम लोग ने डिफाइन किए हैं। उसके बाद हमने सीखा टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे, चेंज इन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, देयरफॉर उन दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी को कंसिडर करते हुए हम लोग ने कांस्टेंट डिफाइन किया, वो कांस्टेंट है अल्फा इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स दोनों हो सकती है। उसके बाद हम लोग ने चेक किया कि हाँ, नाम दिया कि इनिशियल आर नॉट और फाइनल को आर टी करके नाम दिया, तो फाइनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर टू इज इक्वल टू आर वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ती है, देयरफॉर अल्फा पॉजिटिव रहती है, इसीलिए उसको पॉजिटिव टेम्परेचर
बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होती है, जिस वजह से अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए हम उसको बुलाते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम जितेन इब्राहिम, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। बाय बाय।